आज हम एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी का डिस्कस करने वाले हैं, जिस थ्योरी का नाम है परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी, यानी क्रय शक्ति समता सिद्धांत। आपको पता है कि एक्सचेंज रेट का डिटर्मिनेशन करने के लिए, जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, एक्सचेंज रेट का डिटर्मिनेशन करने के लिए तीन थ्योरी होती हैं। फर्स्ट थ्योरी हमने कौन सी पढ़ी थी? मिंट पैरिटी थ्योरी, यानी कि टकसाल समता सिद्धांत, राइट? ये हमने देखी थी, टकसाल समता सिद्धांत। आज हम जो थ्योरी डिस्कस करने वाले हैं वो थ्योरी कौन सी है? परचेजिंग, पी मीन्स परचेजिंग, सेकंड पी का मतलब हो गया पावर और थर्ड का हो गया पैरिटी, क्रय शक्ति समता सिद्धांत। क्या हो गया? क्रय शक्ति समता सिद्धांत। इससे पहले हमने एक्सचेंज रेट के दो वीडियो बनाए थे, एक्सचेंज रेट का मीनिंग एंड डेफिनेशन, और सेकंड जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था जिसमें हमने मिंट पैरिटी थ्योरी को डिस्कस किया था। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हमारी कौन सी है? परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी। तो देखिए, परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी, यानी कि नाम क्या बता रहा है? क्रय शक्ति समता सिद्धांत, यानी कि आपकी जो परचेजिंग है उसको क्या कर रहा है? वो समान कर रहा है। पैरिटी का मतलब क्या होता है? इक्वल करना, एक जैसा करना, एट पार करना, ठीक है? इस थ्योरी में आपको क्या समान करना है? दो देशों की क्रय शक्ति को, यानी परचेजिंग पावर को हम समान, या इसे कह सकते हैं एक लेवल का बनाकर फिर एक्सचेंज रेट का डिटर्मिनेशन करेंगे, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द इम्पॉर्टेंट, या कह सकते हैं कि एक इंट्रोडक्शन कह सकते हैं इस थ्योरी का, वो क्या है? दिस थ्योरी इज लिंक्ड टू स्वीडन इकोनॉमिस्ट प्रोफेसर गुस्टाफ कैशल, बट दिस थ्योरी वॉज फर्स्ट एक्सप्लेन बाय वीटले, यानी कि ये थ्योरी वीटले कौन सी? इन हिज बुक रिमार्क ऑन करेंसी एंड कॉमर्स इन 1802, यानी कि 1802। देखिए, इस सिद्धांत का जो संबंध है या रिलेशन कह सकते हैं, स्वीडन के अर्थशास्त्री थे, कौन थे वो? प्रोफेसर गुस्टाफ कैशल। आपको याद रखना है इसका नाम, इस थ्योरी का कि मेन, इस जो ये थ्योरी जो संबंधित है परचेजिंग पावर थ्योरी, वो उसका संबंध किससे है? गुस्टाफ कैशल के नाम से संबंधित है। परंतु इस सिद्धांत की जो व्याख्या है, या इस थ्योरी को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, वो कौन थे? इसे कह सकते हैं वीटले ने, ठीक है? एक इकोनॉमिस्ट थे वीटले, उन्होंने अपनी एक बुक थी, कौन सी बुक थी? रिमार्क ऑन करेंसी एंड कॉमर्स, जो कि कह सकते हैं 1802 में की थी, यानी कि हम कह सकते हैं कि फर्स्ट जो इसको इकोनॉमिस्ट जो थे इंट्रोड्यूस करने वाले इस थ्योरी को, वो तो गुस्टाफ कैशल थे, ठीक है? लेकिन इस थ्योरी को ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किसने किया था? वो 1802 में अपनी एक बुक थी, कौन सी? रिमार्क ऑन करेंसी एंड कॉमर्स, किसकी थी? वीटले, प्रोफेसर वीटले की पुस्तक में इस थ्योरी को ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया गया। देखिए, इस थ्योरी का नाम से ही पता चल रहा है कि क्रय शक्ति, यानी कि हम क्या कर रहे हैं? दो देशों की क्रय शक्ति को कंपैरिजन कर रहे हैं, उनको समान कर रहे हैं, ठीक है? उसी के बेस पे हम इसका निर्धारण करेंगे। हमने जो प्रीवियस वीडियो में जो थ्योरी को डिस्कस किया था वो था मिंट पावर थ्योरी, उसमें हमने गोल्ड स्टैंडर्ड को मेजरमेंट के रूप में माना था। इस थ्योरी में जो हम हैं वो किसको मानेंगे? दो देशों की जो क्रय शक्ति, यानी कि एक देश में हम किसी वस्तु को परचेज कर रहे हैं, और उस जैसी ही कोई कॉमोडिटी, उस जैसी ही वस्तु को जब हम दूसरे देश में परचेज करेंगे, तो उस कितनी करेंसी में वो परचेज करेंगे, बस उसको कंपैरिजन करके उसको इक्वल करना होगा। तो देखिए, क्रय शक्ति सिद्धांत के अनुसार दो देश अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रामान पर होते हैं। हमने जो मिंट पावर थ्योरी में क्या था, उसकी शर्त क्या थी? कि दोनों देशों में गोल्ड स्टैंडर्ड होना चाहिए, और यहाँ पे कंडीशंस क्या है? अनकन्वर्टेबल पेपर करेंसी, यानी कि दोनों देशों में क्या होनी चाहिए? अनकन्वर्टेबल पेपर करेंसी होना चाहिए। अनकन्वर्टेबल पेपर करेंसी का मतलब हो गया कि जिसे हम गोल्ड या सिल्वर, कोई मेटलिक में हम उस करेंसी को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, वो अनकन्वर्टेबल रहेगी। दो देशों में वस्तुओं और सेवाओं की खरीदने की शक्ति के आधार पर, बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट और सिंपल लाइन है कि आप दो देशों में वस्तुओं और सेवाओं, यानी कि जो कमोडिटीज़ हैं या सर्विसेज हैं, उनके खरीदने की शक्ति के आधार पर जो विनिमय दर निर्धारित होती है, जो एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन होती है, उसे क्या कहते हैं? परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी कहते हैं। यानी कि फॉर एग्जाम्पल लेते हैं इसके लिए,
जैसे कि एक बास्केट ऑफ गुड्स है जिसमें बहुत सारी गुड्स हैं आपकी डेली रूटीन में जो आप यूज़ करते हैं, क्रीम है या आप पेस्ट जो यूज़ करते हैं या टूथपेस्ट हैं, तो ये सारी जो वस्तुएँ, ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें यूएसए और इंडिया का, ध्यान रखिएगा परचेजिंग पावर पैरिटी में जो वस्तुएं और जो सेवाओं का हम बात कर रहे हैं वो दोनों देशों में यूज़ होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि यूएसए में तो उस चीज़ को यूज़ किया जा रहा है पर इंडिया में नहीं किया जा रहा, तो हम परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी की कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे, उससे एक्सचेंज रेट का डिटरमिनेशन नहीं कर पाएंगे। यानी कि जो वस्तुएं इस बास्केट में आ रही हैं उसे यूएसए में भी यूज़ किया जा रहा है और उसे इंडिया में भी यूज़ किया जा रहा है, यानी कि सेम कॉमोडिटीज़ होनी चाहिए इसके अंदर, राइट। तो सेम कॉमोडिटीज़ जो होगी वो उसको यूएसए में कितने में परचेज़ किया जा रहा है और इसी सेम कॉमोडिटीज़ को इंडिया में कितने में परचेज़ किया जा रहा है, उसे कहते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी, क्रय शक्ति समता सिद्धांत। यानी कि ये वो वस्तुएं होगी जो यूएसए में भी नॉर्मली यूज़ की जाती हैं और ये वही वस्तु होगी जो इंडिया में भी यूज़ की जाती है। इस बास्केट में वो कॉमोडिटीज़ या वो वस्तु नहीं आएगी जो सिर्फ यूएसए में यूज़ की जाए या सिर्फ इंडिया में यूज़ की जाए। इसमें कॉमन जो कॉमोडिटीज़ होती हैं वो इसमें काउंट होती हैं, राइट। चलिए बात करते हैं, प्रोफेसर गुस्ताव कैसल ने एक डेफिनेशन दी थी, क्या दी, दो मुद्राओं के मध्य की विनिमय दर अवश्य ही उनकी आंतरिक क्रय शक्ति के भागफल पर निर्भर करती है। तो मेन वर्ड क्या है, इंटरनल परचेजिंग पावर, यानी कि आप जो दो करेंसी का कंपैरिजन कर रहे हो उसके बेस पे जो एक्सचेंज रेट डिटरमिनेशन कर रहे हो वो मोस्टली डिपेंड होती है कि आपके डोमेस्टिक एरिया में, आपके इंटरनल एरिया में आप उस कॉमोडिटीज़ को कितने में परचेज कर रहे हो, राइट। तो ये प्रोफेसर, आप कह सकते हैं, गुस्ताव कैसल ने अपनी डेफिनेशन में कहा था। नेक्स्ट बात करते हैं इसका एक्सप्लेनेशंस, यानी कि इस थ्योरी की व्याख्या कैसे की जाती है। द एक्सचेंज रेट बिटवीन टू कंट्रीज बेस्ड ऑन अनकन्वर्टेबल पेपर करेंसी वैल्यू इज डिटरमाइंड बाय द परचेजिंग पावर ऑफ द करेंसी। यानी कि ये जो थ्योरी है या ये जो नियम है वो कह रहा है कि ये जो एक्सचेंज रेट है वो अनकन्वर्टेबल पेपर करेंसी पर निर्भर करती है, यानी कि अपरिवर्तनीय कागजी मुद्रा पर आधारित होती है। मेन चीज़ ध्यान रखिएगा, इसका हम का कह सकते हैं की वर्ड है इसका, अनकन्वर्टेबल पेपर करेंसी पे ये डिपेंड रहती है ये थ्योरी। दूसरा ये क्या कह रहा है कि दो देशों के बीच जो एक्सचेंज रेट विनिमय दर है उनकी मुद्राओं की क्रय शक्ति की समता से निर्धारित होती है। यानी कि द एक्सचेंज रेट है वो किससे निर्धारित होगी, दो देशों के मुद्रा की क्रय शक्ति पर, यानी कि परचेजिंग पावर पर ये निर्धारित होगी। तो सिंपल है कि ये थ्योरी की फर्स्ट व्याख्या के रूप में अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि अपरिवर्तनीय कागजी मुद्राओं पर आधारित होती है और दो देशों के बीच विनिमय दर उनकी मुद्राओं की क्रय शक्ति की समता से निर्धारित होती है। यानी कि एक कंट्री कितने में परचेज कर रहा है उस कॉमोडिटीज़ को और उसी वस्तुओं को, उसी कॉमोडिटीज़ को दूसरा जो देश है वो कितने में परचेज कर रहा है, राइट। बात करते हैं इसका सेकेंड एक्सप्लेनेशन पॉइंट का, तो देखिए वो क्या कह रहा है, सिंपल है कि सेकेंड पॉइंट कह रहा है द ट्रेंड ऑफ एक्सचेंज रेट इज टू स्टे एट द पॉइंट वेयर द परचेजिंग पावर ऑफ द करेंसी ऑफ बोथ द कंट्रीज इन द सेम, दिस पॉइंट इज कॉल्ड द पीपी थ्योरी। देखिए ये क्या कह रहा है कि विनिमय दर की प्रवृत्ति उस बिंदु पर स्थिर रहने की होती है, यानी एक्सचेंज रेट है वो स्टे हो जाएगी किस पॉइंट पे, जहाँ पर दोनों देशों की मुद्राओं की क्रय शक्ति समान होती है, उस बिंदु को ही हम क्या कहते हैं, क्रय शक्ति समता सिद्धांत कहते हैं। यानी कि जो एक्सचेंज रेट होगी वो स्टे हो जाएगी, यानी स्थिर हो जाएगी किस पॉइंट पर, किस पॉइंट पर, जहां पर परचेजिंग पावर ऑफ द करेंसी बोथ द कंट्री सेम, यानी दोनों देशों की मुद्राओं की क्रय शक्ति समान हो जाती है, उस पॉइंट को ही, उस बिंदु को ही हम परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी कहेंगे, राइट। थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस थ्योरी को एक्सप्लेन करने का, अकॉर्डिंग टू पीपीपी यानी कि परचेजिंग पावर पैरिटी द एक्सचेंज रेट आर डिटरमाइंड इन द प्रोपोर्शनल रेशियो टू द
प्राइजेज ऑफ गुड्स बिटवीन टू कंट्रीज़। देखिए सेम ही बात कह रहा है, रिपीट कर रहा है, क्रय शक्ति समता सिद्धांत के अनुसार विनिमय दरों का निर्धारण दो राष्ट्रों के मध्य वस्तुओं के मूल्य के अनुपात से निश्चित होता है। यानी कि दो देशों में जो कॉमोडिटीज़ हैं, जो गुड्स हैं, उसका जो कीमत है उसके आधार पर ये थ्योरी डिसाइड होती है या निर्धारित होती है। तो मेन वर्ड क्या हो गया कि दो राष्ट्रों के मध्य वस्तुओं के मूल्य के अनुपात, यानी प्राइस क्या है उसके बेस पे ये डिटरमाइन होगी। बात करते हैं एक नॉर्मल एग्जाम्पल की। देखिए अगर हम अभी बात करें कि मार्केट प्राइस यानी बाजार कीमत एक डॉलर का कितना रुपीज़ है, तो अगर हो सकता है 70 है, या अगर हम टुडे यानी आज बात करते हैं तो 73.75 है। ठीक है, ये अप एंड डाउन होता है इसका वैल्यू। ठीक है, तो चलिए मार्केट प्राइस में तो चल रहा है कि एक डॉलर कितना है, एक डॉलर के लिए हमें कितना रुपए देना होगा, या तो 70 रुपये, या फिर हो सकता है बढ़कर कितना हो गया हो, 73.75 हो गया हो। ठीक है, तो हम ये पे कर रहे हैं। लेकिन अगर परचेजिंग पावर पैरिटी के अकॉर्डिंग बात करें तो एक डॉलर के लिए हमें 20 रुपीज़ ही देना होता है। देखिए ऐसा क्यों होता है, सपोज़ दैट हम बात करते हैं कि एक पर्सन है जो यूएसए से एयरपोर्ट की तरफ आता है, और एयरपोर्ट की तरफ आते समय वो एक आइसक्रीम परचेज करता है, और आइसक्रीम परचेज करने के लिए वो एक डॉलर को पे करता है। यानी उस आइसक्रीम को कितने रुपए में परचेज कर रहा है, वो एक डॉलर के। ठीक है, अब वो आदमी जो वहाँ यूएसए से रवाना हुआ है वो मुंबई के एयरपोर्ट पे पहुँच जाता है। ठीक है, अब मुंबई के एयरपोर्ट के बाहर उसी आइसक्रीम को वो परचेज करना चाहता है, तो क्या वो 70 रुपीज़ या 73.75 इतना रुपए देगा? क्योंकि हमें तो पता है कि एक डॉलर बराबर कितना होता है, 70 रुपीज़ होता है, या वो 73.75 या 74 समथिंग हो सकता है। तो क्या वो आदमी जो वहाँ रवाना हुआ है, एयरपोर्ट पे पहुँच गए मुंबई के, तो उसी आइसक्रीम को अगर वो खाना चाहता है उसी क्वालिटी से, या वो सेम आइसक्रीम को खाना चाहता है, तो क्या उसके लिए वो 70 रुपीज़ पे करेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि वो उसके लिए सेम अगर वही आइसक्रीम है तो उसके लिए कितना रुपीज़ देगा, 20 रुपीज़ पे करेगा। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपने सुना होगा कि यूएसए बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली सिटी है, यानी बहुत महंगी सिटी है, जबकि उसका कंपैरिजन अगर भारत से करें तो वो क्या होता है, सस्ता होता है। ठीक है, और ये मेन जो डिपेंड होता है ना कि हम परचेज हैं वो वहाँ यूएसए में तो $1 में आइसक्रीम परचेज की, और यहाँ हम उसके पे करने के लिए इंडिया में कितना दे रहे हैं, 20 रुपीज़ दे रहे हैं। तो ये मोस्टली क्या होते हैं, कुछ फैक्टर पे डिपेंड करता है कि यूएसए में तो वो $1 महंगे कॉस्टली मिल रहा है, जबकि यहाँ पे कितना मिल रहा है, वो 20 रुपीज़ में। तो कुछ इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से इसकी प्राइस क्या है, भारत में 20 रुपये है। जैसे डिमांड सप्लाई क्या है, ठीक है, कि ज़्यादा सप्लाई हो रही है तो उसका प्राइस 20 रुपीज़ है। आप कितनी इंपोर्ट क्वांटिटी कर रहे हैं, यानी कि आप जो उस आइसक्रीम को बनाने के लिए अगर कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं उसकी क्वांटिटी कैसे कर रहे हैं, ज़्यादा कर रहे हैं, तो क्या वो आपके लिए चीपर पड़ रहा है या कैसे। ठीक है, आप ये भी देखते हैं कि आपकी जो करेंसी है उसकी डिमांड कितनी है, वो भी आपकी परचेजिंग पावर जो होता है उस पर इफ़ेक्ट डालता है। तो यानी कि हम बात करें कि मार्केट प्राइस में तो एक डॉलर हमें मार्केट में अभी अगर हम चेक करें तो एक डॉलर का कितना होगा, 73.75। लेकिन परचेजिंग पावर पैरिटी के अकॉर्डिंग, यानी कि अगर हम कोई वस्तु की बात करें, और मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था कि सेम कॉमोडिटीज़ होनी चाहिए, सेम वस्तु की बात कर रहे हैं, वही वस्तु जो यूएसए में मिल रही है और वही वस्तु जो इंडिया में मिल रही है, उसके लिए हम कितना पे कर रहे हैं, यानी यूएसए में आप कितना दे रहे हो उस कॉमोडिटीज़ के लिए और इंडिया में कितना दे रहे हो उस कॉमोडिटीज़ के लिए, बस उसको इक्वल करना होता है, राइट, इस थ्योरी में। तो परचेजिंग पावर पैरिटी में एक डॉलर के लिए हम जो परचेजिंग है वो कितना है, 20 रुपीज़ है। इसीलिए देखिए अगर हम पीपी यानी कि परचेजिंग पावर पैरिटी के अकॉर्डिंग बात करें तो चाइना यूएसए के बाद भारत क्या है, थर्ड बड़ी अर्थव्यवस्था है, यानी तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है सिर्फ परचेजिंग पावर पैरिटी के अनुसार अगर हम बात करें। अगर हम नॉमिनल जीडीपी अकॉर्डिंग बात करें, नॉमिनल के अकॉर्डिंग बात करें जीडीपी की, तो भारत का कितना है, 5th बड़ी यानी कि 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था मानी जाएगी। तो देखिए मैंने आपको यहाँ बताने के लिए जो जीडीपी होता है, जो आप देखते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी घरेलू
आपका सकल घरेलू उत्पाद, तो उसका निर्धारण हम देखते हैं मोस्टली है वो दो तरीके से, बेस प्राइस पे जिसे हमने ईयर क्या है, हमारा आधार वर्ष कौन सा है, 2011, यानी कि बेस ईयर पे अगर हम निकालेंगे तो 2011 को आधार वर्ष मानते हैं, इसे रियल जीडीपी वास्तविक जीडीपी कहा जाता है। जबकि करंट प्राइस पे निकालते हैं, बेस ईयर तो 2011 है लेकिन अगर हम करंट प्राइस पे निकालते हैं तो उसे बोला जाता है नॉमिनल जीडीपी, और नॉमिनल जीडीपी के अकॉर्डिंग भारत की कौन सी रैंक है, 5th, ठीक है। लेकिन अगर हम परचेसिंग पावर पैरिटी के अकॉर्डिंग बात करें तो भारत का कौन सा रैंक है, 3rd, चाइना और यूएसए और इंडिया। यानी कि $1 में जो आइसक्रीम मिल रही थी भारत में, उसके लिए सेम उसी आइसक्रीम के लिए हम कितना दे रहे हैं, वही क्वालिटी, वही जो उसमें मटेरियल यूज़ हुआ है आइसक्रीम को बनने के लिए, सेम एज इट इज़, ध्यान रखिएगा कोई चेंज नहीं, तो उसके लिए हम इंडिया में कितना दे रहे हैं, 20 रुपीज़, ठीक है। तो ये आपकी परचेसिंग पावर पे डिपेंड करता है, राइट। और ये जो 20 रुपीज़ है उसके मेन कारण ये है कि कुछ इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से इसका प्राइस आइसक्रीम का कितना है, 20 रुपीज़ है, और अमेरिका में, यूएसए में उसके लिए हम $1 पे कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी को, इस थ्योरी की जो एक्सप्लेनेशन है उसके लिए हमने एक नॉर्मल एग्जाम्पल लिया। अब हम एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल लेके बात करते हैं। देखिए एग्जाम्पल, देखिए C1, C2, इट्स अ सेम कॉमोडिटीज़। सेम कॉमोडिटीज़ का मतलब है कि आपके पास में एक बहुत बड़ी बास्केट बनी हुई है, ऐसी बास्केट बनी है उसमें आपकी सेम कॉमोडिटीज़ भरी हुई, ये सारी कॉमोडिटीज़ भरी है, उस कॉमोडिटीज़ की बात कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा ये वो कॉमोडिटीज़ होगी जो एक देश में, जिसकी हम कंपेरिजन कर रहे हैं, उस देश में भी सेम यूज़ होती है, नॉर्मली यूज़ किया जा रहा है, और उसको दूसरे देश में भी नॉर्मली यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं लेंगे कि जहाँ वो सिर्फ अमेरिका में यूज़ किया जा रहा है लेकिन इंडिया में नहीं, तो उस कॉमोडिटीज़ को हम इस बास्केट में नहीं डाल सकते। तो चलिए बात करते हैं एक एग्जांपल की, कि C1 एक हमने वस्तुओं का, ये जो बास्केट थी उसका मैंने नाम रख दिया C1, ठीक है। वस्तुओं का समूह भारत में 100 रुपये में मिल रहा है, यानी कि इसमें जितने भी कॉमोडिटीज़ हैं, वस्तुएँ हैं, वो भारत में अगर मुझे ख़रीदना है तो कितने देना पड़ेगा, 100 रुपये। लेकिन इसको, इसी वस्तु के ये जो बास्केट है उसको हम मैंने C2 भी नाम दे दिया। लेकिन ये जब C2, ये सेम कॉमोडिटीज, ध्यान रखिएगा C1 C2 इज़ द सेम, ठीक है। और पाकिस्तान में अगर मैं परचेज़ करना चाहती हूँ तो उसके लिए मुझे 150 रुपये, यानी 150 रुपीज़ देना पड़ रहा है। तो अगर मुझे अपनी PP यानी परचेसिंग पावर पैरिटी के अकॉर्डिंग मुझे एक्सचेंज रेट निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, देखिए C1 यानी भारत में सेम कॉमोडिटीज़, ठीक है। C1 के लिए मुझे कितना दे रहा है, भारत में कितना दिया जा रहा है, 100। C2 यानी कि ये किसके लिए बताया मैंने, इस कॉमोडिटीज़ का जो नाम है वो पाकिस्तान में क्या नाम से है, C2 से, और भारत में क्या नाम से, C1 से, तो पाकिस्तान दे रहा है 150। तो दोनों देशों की एक्सचेंज रेट क्या होगी, 1 रुपये भारत में है और पाकिस्तान में क्या होगा, 1.5, यानी 1.5 रुपये के बराबर, ठीक है। तो यानी कि हम कह सकते हैं दोनों देशों के एक्सचेंज रेट, यानी कि जो भारत में कॉमोडिटीज़ 1 रुपये में मिलती हैं, वही कॉमोडिटीज़, वही वस्तुएं पाकिस्तान में कितने में मिलेगी, 1.5 रुपये में, यानी 1.50 रुपये में पाकिस्तान में हम परचेज कर सकते हैं। इसका एक एग्जाम्पल और लेते हैं, ठीक है। अब मैंने एग्जाम्पल लिया है USA एंड इंडिया का, वही कॉमोडिटीज़, वही बास्केट, ठीक है, C1 C2। USA में अगर मुझे परचेज़ करना है तो उसके लिए मुझे $1 पे करना होगा, ठीक है। और भारत में मुझे अगर वही वस्तु, वही कह सकते बास्केट चाहिए तो उसके लिए मुझे कितना पे करना होगा, 50 रुपीज़। तो एक्सचेंज रेट क्या हो जाएगी, एक्सचेंज रेट कह रही है कि $1 इज इक्वल टू 50 रुपीज़, यानी कि USA में मुझे परचेज़ करने के लिए $1 देना है और इंडिया में परचेज़ करने के लिए मुझे कितना देना है, 50 रुपीज़ देना है। प्राइस चेंज होने पर इंडेक्स नंबर के आधार पर मापन करते हैं, यानी अगर थोड़ा सा भी प्राइस में चेंजेस आता है तो उसके किसके आधार पर हम एक्सचेंज रेट डिटरमाइन करते हैं, इंडेक्स नंबर के आधार पर चेक करते हैं। इंडेक्स नंबर आप जानते हैं कि बहुत सारी वस्तुओं का हम एवरेज लेकर क्या करते हैं, उसकी जो कमी और वृद्धि होती है उसके अनुसार क्या कर देते हैं, उसको नंबर दे देते हैं या निर्देशांक बना देते हैं। जैसे मानते हैं कि स्टार्ट में अगर स्टार्टिंग करते हैं तो इंडेक्स नंबर दोनों देशों का 100 है, यानी कि USA और इंडिया की बात करें तो दोनों का कितना माना है हमने, इंडेक्स नंबर 100 है। सपोज दैट कीमत स्तर में परिवर्तन होने पर, यानी प्राइस लेवल में चेंज होने पर विनिमय दर भी बदल जाएगी, यानी एक्सचेंज रेट भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इसका फॉर्मूला क्या होगा, रेट इज इक्वल टू
डोमेस्टिक प्राइस इंडेक्स यानी कि घरेलू कीमत का सूचकांक मल्टीप्लाई आधार वर्ष में विनिमय दर यानी कि आपके बेस ईयर में एक्सचेंज रेट क्या है अपॉन फॉरेन प्राइस इंडेक्स यानी विदेशी कीमत सूचकांक। ये क्या है? एक्सचेंज रेट जब आपकी प्राइस में चेंज, कीमत में अगर चेंज होता है तो आपके जो एक्सचेंज रेट होगा उसमें भी क्या आ जाएगा? चेंजेस हो जाएगा। अगर हम इसे शॉर्ट में लिखना चाहें तो R इज इक्वल टू पी वन आर एन यानी जो एक्सचेंज रेट है आपके बेस ईयर में, और पी टू यानी जो फॉरेन में आपका प्राइस इंडेक्स है। ठीक है, तो चलिए इसे हम एक सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल से लेके कि अगर हमारा इंडेक्स नंबर पहले तो 100 था। ठीक है, पहले हमने यूएसए और इंडिया का 100 माना। अगर बाय चांस इंडेक्स नंबर ही चेंज हो जाए तो क्या एक्सचेंज रेट चेंज होगी क्या? ऑफकोर्स चेंज होगी। तो देखिए, यदि आधार वर्ष में एक्सचेंज रेट $1.40 है, पहले कितना था? 50 था। ठीक है, तो इंडेक्स प्राइस जो आपका इंडिया का इंडेक्स प्राइस है सपोज दैट वो 300 हो जाता है, 100 से कितना हो जाएगा? 300। और यूएसए का प्राइस इंडेक्स नंबर कितना हो गया? 100 से 200। ठीक है, तो बताइए क्या होगा? 300 मल्टीप्लाई 40 यानी जो घरेलू डोमेस्टिक जो आपका इंडेक्स है वो कितना है इंडिया का? 300। राइट, अभी हमने फार्मूला जो लिखा आपका बेस ईयर में आपका क्या एक्सचेंज रेट चल रही है? $1 इज इक्वल टू 40। तो देखिए हमने यहाँ 40 लिख दिया है। फिर यहाँ हमें लिखना है कि विदेश में कितना आपका एक्सचेंज रेट है, वो कितना है? 200। तो हमने इसे कैलकुलेट किया तो क्या आ गया? $1 इज इक्वल टू 60। क्या आ जाएगी रेट? $1 इज इक्वल टू 60 रुपीज़। ठीक है, तो ये हमारी, अगर ये किस कब करते हैं हम लोग? जब अगर आपकी प्राइस में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो प्राइस में चेंज होता है तो हम हर कॉमोडिटीज़ की एक एक वस्तु की लेकर हम उसकी प्राइस को लेकर हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते क्योंकि बहुत टफ होगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, इंडेक्स नंबर के बेस पे यानी सूचकांक या निर्देशांक के आधार पर क्या करते हैं? विनिमय दर का निर्धारण करते हैं। राइट, तो उसमें ग्रुप ऑफ कहते हैं कॉमोडिटीज़ को लेकर उसके बेस पर हम इंडेक्स नंबर बनाते हैं और उसी को इसमें यूज़ किया जाएगा। अब हम एक डायग्राम से इसका एक सॉल्यूशन और देखते हैं। देखिए ओ एक्स है, उस पर मैंने क्वांटिटी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है, इसको दिखाया है विदेशी विनिमय की मात्रा, और ओ वाई पे मैंने बताया है विनिमय दर यानी कि एक्सचेंज रेट। मानते हैं कि ये मेरा डिमांड कर्व है, ठीक है, और ये मेरा सप्लाई कर्व है। ये दोनों ही इंटरसेक्ट कहाँ हो रहे हैं? ई पॉइंट पे। तो ये मेरी जो डिटरमाइंड हुई है वो मेरी एक्सचेंज रेट है, और मेरी क्वांटिटी फॉरेन क्वांटिटी एक्सचेंज कितनी रहेगी? ओ एम। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि सपोज दैट इंडिया का प्राइस लेवल है वो बढ़ गया। क्या हुआ? इंडिया का प्राइस लेवल बढ़ गया है लेकिन यूएसए का बिल्कुल कांस्टेंट है, स्थिर है। यानी कि किसमें चेंज हुआ है? इंडिया के प्राइस, इंडिया के जो कीमत स्तर है वो बढ़ चुका है जबकि यूएसए का कीमत स्तर स्थिर है। देखिए अब इसका तो स्थिर है लेकिन भारत में क्या हो गया है? भारत का प्राइस कीमत अगर बढ़ता है तो यूएसए के डॉलर डिमांड क्या होगी? बढ़ेगी। ठीक है, यूएसए का डॉलर डिमांड बढ़ेगा और सप्लाई क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। देखिए ऐसा क्यों होता है कि जब भारत में कीमत स्तर बढ़ता है, ठीक है, और यूएसए का तो स्थिर है, लेकिन जब कीमत स्तर भारत में बढ़ता है तो वहाँ यूएसए की डॉलर डिमांड बढ़ जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि भारत के जो एक्सपोर्ट हैं वो अमेरिका के लिए क्या हो जाएंगे? महंगे हो जाएंगे। ठीक है, भारत के जो एक्सपोर्ट होंगे वो क्या हो जाएंगे? अब महंगे हो जाएंगे। और जबकि अमेरिका से जो भारत के लिए इम्पोर्ट आता है यानी कि अमेरिका जो वस्तुएं भारत में बेचता है वो, यानी कि भारत का जो आयात है वो सस्ता हो जाता है। इसीलिए अब हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा वस्तुओं को अपने देश में मंगवाएंगे क्योंकि इम्पोर्ट सस्ता हो गया है। अमेरिका से जो हम वस्तुएं मंगा रहे थे वो सस्ती हो गई है, तो अब सस्ती हो गई तो उसका पेमेंट तो हमें करना होगा, तो वो पेमेंट किस में करेंगे? डॉलर में करेंगे। इसीलिए ध्यान रखिएगा कि प्राइस लेवल ऑफ इंडिया का जब बढ़ता है और यूएसए का जब स्थिर रहता है तो ध्यान रखिए यूएसए की डॉलर डिमांड बढ़ जाती है और जबकि सप्लाई क्या होती है? कम हो जाती है। तो यानी कि भारत की कीमत स्तर बढ़ने से लेकिन अमेरिका में स्थिर रहता है तो भारत के निर्यात अमेरिका में महंगे हो जाएंगे। यानी कि जो भारत अपने देश से यूएसए को जो एक्सपोर्ट कर रहा था वो बहुत ज़्यादा महंगे हो जाएंगे। राइट, और जो यूएसए से इंडिया में जो माल आ रहा था, गुड्स आ रहा था, यानी कि जो इंडिया का जो इम्पोर्ट है
वो क्या हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा। जब सस्ता होगा तो हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट करेंगे, और इम्पोर्ट करेंगे तो क्या होगा, हम डॉलर की डिमांड करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसी में हमें एक डायग्राम से क्लियर करते हैं कि देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये हमारा डिमांड बढ़ गया डॉलर की। अब आपको पता चल गया कि प्राइस लेवल बढ़ने पर, ठीक है, तो आप देखिए हमारा डिमांड कर बढ़ गया डॉलर का, ठीक है। और लेकिन सप्लाई क्या होगी, सप्लाई तो कम हो जाएगी, तो सप्लाई क्या हो जाएगी, एस वन हो जाएगी। तो इसमें जो नई एक्सचेंज रेट आएगी वो क्या आई है, आर वन, यानी इंटरसेट कहाँ हो रहा है, ई वन पे। ये मेरा नया डिमांड कर्व है, क्यों, क्योंकि हमारी जो डिमांड है वो बढ़ गई है डॉलर की। अब डिमांड तो बढ़ गई है लेकिन सप्लाई क्या होगी, वो तो कम होगी, क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है। एक्सपोर्ट नहीं होगा तो आपके पास जो फॉरेन डॉलर आने चाहिए थे वो तो नहीं आ रहे, यूएसए के डॉलर, तो इसका मतलब है कि आपकी सप्लाई कम हो जाएगी। तो ये दोनों जो इंटरसेक्ट हो रहे हैं वो कहाँ हो रहे हैं, ई वन पे, और हमारी नए विनिमय दर क्या होगी, आर वन, यानी कि एक्सचेंज रेट भी बढ़ जाएगी। तो ये जो था ये एक एग्जाम्पल था विथ प्रैक्टिकल और आपके डायग्राम से। तो क्रय शक्ति समता सिद्धांत का मतलब हो गया एक सिंपल सी लाइन में कि दो देशों में जब हम सेम वस्तु को, यानी एक समान वस्तु को जो खरीदते हैं, जो परचेजिंग करते हैं, वो हम एक देश में कितने में कर परचेज करते हैं और दूसरे देश में हम कितने में परचेज करते हैं, फिर उससे हम एक्सचेंज रेट क्या करते हैं, इक्वल करते हैं, दैट्स कॉल्ड टू अ परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी। ठीक है, तो ये थ्योरी का जो कह सकते हैं कॉन्सेप्ट था, एक्सप्लेनेशंस था। अब हम बात करते हैं इसकी कुछ इम्पॉर्टेंट्स की और कुछ इसकी क्रिटिसिज्म की, यानी कि आलोचना की। सिंपल है ये सिद्धांत, कुछ तो इम्पॉर्टेंट है ही है। चलिए ये क्या इम्पॉर्टेंट है, फर्स्ट पॉइंट है नॉलेज ऑफ बिजनेस ट्रेड, यानी व्यापार की प्रवृत्ति का ज्ञान। ये जो सिद्धांत है वो हमें ये जानकारी देता है कि व्यापार का जो फ्लो है वो कौन से डायरेक्शन में है, यानी कि जो परचेजिंग पावर चल रही है वो वस्तुओं की, वो अच्छी बूम पीरियड का है या बॉटम है, आपकी प्रवृत्ति कैसी है व्यापार की, उसके बारे में जानकारी देती है ये सिद्धांत। एप्लीकेबल टू ऑल करेंसी सिस्टम, सभी चलन प्रवृत्तियों पर क्रियाशील है। सिंपल है कि ये ऐसा सिद्धांत है जो सब प्रकार की करेंसी सिस्टम पे फॉलो किया जा सकता है, यानी कि आप कौन सी करेंसी यूज़ करते हैं अपने देश में और आप उससे कितना अपना कॉमोडिटीज़, उस सेम कॉमोडिटीज़ को परचेज कर सकते हो, तो ये सभी चलन पद्धतियों पर क्रियाशील होता है ये सिद्धांत। विनिमय दर का निर्धारण, क्योंकि ये एक डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट की थ्योरी है, तो सिंपल है कि ये एक्सचेंज रेट का निर्धारण तो करेगी। ठीक है, तो यानी कि ये विनिमय दर का निर्धारण करना, यानी दो देशों के बीच विनिमय दर किस प्रकार निर्धारित होती है या डिटर्मिनेशन कैसी होती है, उसकी जानकारी आपको देती है। फोर्थ है मुद्रा में अवमूल्यन और अधिमूल्यन के प्रभाव का ज्ञान, नॉलेज ऑफ इफेक्ट ऑफ वैल्यूशन, डीवैल्यूशन और रीवैल्यूशन ऑफ मनी, यानी कि आप अपनी कर्ज। इस सिद्धांत की विशेषता ये है कि इसकी सहायता से हम ये मालूम कर सकते हैं कि मुद्रा के अवमूल्यन और अधिमूल्यन से विनिमय की दर या विदेशी प्रभाव, विदेशी व्यापार पर क्या प्रभाव होगा, राइट। तो यानी कि हम लोग जो मनी रहती है, मनी में डीवैल्यूएशन या आपका कह सकते हैं रीवैल्यूएशन है, उससे एक्सचेंज रेट पे या आपके फॉरेन रेट पे क्या इफेक्ट आएगा, वो इस थ्योरी से हम चेक कर सकते हैं। रिलेशन बिटवीन इंटरनल प्राइस लेवल एंड एक्सचेंज रेट, बिल्कुल आंतरिक मूल्य स्तर और विनिमय दर में संबंध होता है। देखिए ये थ्योरी क्या कह रही है, किसी देश के जो इंटरनल प्राइस वैल्यू होती है, यानी आंतरिक मूल्य स्तर और उसकी विनिमय दर में बहुत ज़्यादा एक क्लोज रिलेशंस होता है। प्रत्येक देश अपनी मुद्रा निधि निर्धारण करते समय इस ज्ञान का लाभ जरूर उठाता है। यानी कि आपने देखा कि इंटरनल प्राइस लेवल, आपके देश में क्या प्राइस लेवल चल रहा है, ठीक है, उस पर ये थ्योरी डिपेंड करती है। और अभी हमने $1 = 20 वाला एग्जांपल भी लिया था। नॉलेज ऑफ आउटस्टैंडिंग डेब्ट, यानी ऋण शेष का ज्ञान कराने में ये सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है। विभिन्न देशों का पारस्परिक ऋण शेष जानने के लिए इस सिद्धांत का ज्ञान आवश्यक होता है, यानी आपके आउटस्टैंडिंग कितना ऋण रह गया है उसकी नॉलेज के लिए ये सिद्धांत बहुत जरूरी है। तो ये तो इसकी इम्पॉर्टेंस थी कि ये सिद्धांत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बात करते हैं क्या ये सिद्धांत परफेक्ट था या इसका क्रिटिसाइज किया गया, तो बात करते हैं इसकी क्रिटिसिज्म या आलोचना की।
देखिए फर्स्ट है कीमत स्तर और विनिमय दर में प्रत्यक्ष संबंध नहीं, यानी कि नो डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन प्राइस लेवल एंड एक्सचेंज रेट। अभी अपन ने देखा कि प्राइस लेवल और एक्सचेंज रेट का क्या था, रिलेशन बताया गया कि आपने अभी देखा कि इंडिया का प्राइस लेवल बढ़ता है तो इससे एक्सचेंज रेट भी क्या हो गई थी, बढ़ गई थी। तो देखिए ये सिद्धांत के अनुसार मुद्राओं की जो मनी की जो परचेसिंग पावर होती है और दो देशों में जो प्राइस लेवल होता है उसमें विनिमय दर को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में हम देखते हैं कि एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करने के लिए अदर फैक्टर भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है डिमांड एंड सप्लाई, आपकी डिमांड और सप्लाई कैसी है। ठीक है, यानी विदेशी जो करेंसी होती है, फॉरेन करेंसी होती है, उसकी डिमांड और सप्लाई में अगर चेंज आता है तो इसका भी प्रभाव या इसका इफेक्ट भी एक्सचेंज रेट पे होता है। ठीक है, वस्तुओं की मांग में परिवर्तन, यानी कि अगर आपकी कॉमोडिटीज़ की जो डिमांड है उसमें अगर चेंज आता है तो भी एक्सचेंज रेट क्या होती है, उसमें भी इफेक्ट आता है। उसके बाद में अगर हम करें कि टैरिफ नीति यानी कि प्रशुल्क नीति का प्रभाव भी एक्सचेंज रेट पे होता है, यानी कि बहुत सारे ऐसे अदर फैक्टर हैं जिससे एक्सचेंज रेट डिटरमाइंड होती है, जबकि ये जो सिद्धांत है वो सिर्फ कीमत स्तर को बताता है। जैसे मैंने आपको बताया डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है, आपकी फॉरेन करेंसी का जो डिमांड सप्लाई होती है वो भी एक फैक्टर होता है, लेकिन इसने नहीं चेक किया इस सिद्धांत में। और होता है आपकी जो कॉमोडिटीज़ की डिमांड है यानी वस्तुओं की मांग है वो कैसी है, उस पर भी विनिमय दर निर्भर करती है, लेकिन ये सिद्धांत नहीं बताता है। साथ ही टैरिफ नीति यानी कि प्रशुल्क नीति का प्रभाव भी विनिमय दर पे होता है, यानी अगर कोई देश अपने इम्पोर्ट पे टैरिफ लगा दे, कर लगा देता है, तो उस देश की मुद्रा का विदेशी मूल्य बढ़ जाता है, यानी जो फॉरेन प्राइस रहेगा वो इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन ये सारे इफेक्ट को इस थ्योरी ने इग्नोर कर दी है। और साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन में अगर चेंज होता है यानी अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध में अगर कोई परिवर्तन हो जाता है तो वो भी विनिमय दर को चेंज कर देता है, लेकिन ये सारे सारे फैक्टर को इसने इग्नोर कर दिया है। राइट, बात करते हैं लॉन्ग पीरियड थ्योरी। ये सिद्धांत एक दीर्घकालीन सिद्धांत है, यानी कि ये अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ में देखें तो एक्सचेंज रेट का डिटरमिनेशन करने के लिए हमें अल्पकाल यानी शॉर्ट टाइम पीरियड को देखना होता है, क्योंकि आपको पता होगा कि जो हमारे इकोनॉमिस्ट हैं किन्स, उन्होंने तो बताया कि लॉन्ग टाइम में तो हम सब मर जाते हैं, इस कारण दीर्घकाल में तो आर्थिक समस्या उत्पन्न ही नहीं होती। यानी कि कोई भी थ्योरी हो अगर शॉर्ट टाइम पीरियड की हो तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन ये थ्योरी एक लॉन्ग टाइम पीरियड पे निर्भर करती है। बात करते हैं अजम्पशन ऑफ फ्री ट्रेड यानी स्वतंत्र व्यापार की मान्यता। ये सिद्धांत ये मानता है कि दोनों देशों के बीच में फ्रीडम एकदम फ्रीली ट्रेड होता है, यानी कि स्वतंत्र व्यापार होता है, व्यापार के ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं होता है, कोई भी एक्सचेंज कंट्रोल नहीं होता है। लेकिन अगर अपनी प्रैक्टिकल लाइफ यानी व्यवहारिक बात करें तो आप जानते हैं कि बहुत से देश अपने एक दूसरे के ऊपर क्या लगाते हैं, रेस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं। ठीक है, जबकि ये सिद्धांत क्या होगा, ये सिद्धांत लागू नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है कि व्यवहारिक रूप में जो फ्रीली ट्रेडिंग है वो बहुत मुश्किल से होता है। बात करते हैं इसकी चौथी आलोचना की, अगेंस्ट कॉमन एक्सपीरियंस यानी सामान्य अनुभव के विपरीत। बिल्कुल बात है कि सामान्य अनुभव के विपरीत एक्सपीरियंस के बिल्कुल ऑपोजिट है। देखिए प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा कोई भी हमें एग्जांपल नहीं मिलता है जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि एक्सचेंज रेट का डिटरमिनेशन परचेजिंग पावर सिद्धांत के आधार पर ही निर्धारित होता है। यानी कीमत में परिवर्तन होने पर भी अगर प्राइस लेवल में चेंज होता है तो भी गवर्नमेंट ऐसे उपाय करती रहती है जिससे एक्सचेंज रेट में स्टेबिलिटी आती रहती है। यानी कि हमें कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं मिला है कि जो एक्सचेंज रेट है वो परचेजिंग पावर से डिटरमाइंड होती है। अनरिलेबल बेस यानी अविश्वसनीय आधार का जो परचेसिंग पावर थ्योरी है वो मोस्टली किस पे डिपेंड होती है, इंडेक्स नंबर पर डिपेंड होती है, और इंडेक्स नंबर निश्चित या विश्वसनीय नहीं होते,
विभिन्न देशों में जो हम क्या बात करें अदर अदर कंट्रीज़ की, तो सब में इंडेक्स जो होता है उसकी कैलकुलेशन है वो अलग अलग तरीके से की जाती है, उसके लिए बहुत से मेथड्स अलग अलग फॉलो किए जाते हैं। तो हम कैसे कह सकते हैं जो थ्योरी पूरी इंडेक्स नंबर पर डिपेंड करती है, जबकि इंडेक्स नंबर सभी कंट्रियों में अलग अलग तरह से मेजरमेंट किए जाते हैं। इसलिए निर्देशांक के आधार या इंडेक्स नंबर के आधार पर वास्तविक विनिमय दर का ज्ञान नहीं हो सकता, यानी कि ये पूरी थ्योरी किस पे डिपेंड करती है, इंडेक्स नंबर पे। जबकि इंडेक्स नंबर ही है वो अगर आपका ट्रस्टफुल नहीं है तो हम कहेंगे कि जब उसका बेस वही ट्रस्टफुल नहीं है तो ये थ्योरी कैसे ट्रस्टफुल होगी, राइट, विश्वसनीय होगी। इग्नोर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, यानी कि परिवहन लागत की उपेक्षा, ये सिद्धांत क्या कहता है कि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट नहीं होती है, यानी कि जो कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है वो बिल्कुल ही नहीं होती है, इसकी उपेक्षा करता है। कहने का मतलब है कि ये सिद्धांत उसी समय लागू होता है जब दो देशों में वस्तुओं का फ्रीली और बिना ट्रांसपोर्ट कॉस्ट के अगर व्यापार चलता है तो ये थ्योरी लागू होगी। लेकिन हमें पता है कि जितने भी देश होते हैं या जो कंट्रीज़ होती है आपस में जब ट्रांजेक्शन करती है तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को जो परिवहन लागत है उसको इंक्लूड करती है, जबकि ये सिद्धांत क्या कहता है कि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है वो होती ही नहीं है। सारे देश जो आपस में ट्रेडिंग करते हैं व्यापार करते हैं वो फ्रीली करते हैं, कोई भी परिवहन लागत नहीं होती है, जबकि ये सिद्धांत की सबसे बड़ी कमी थी, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। दो देशों की वस्तुओं के मूल्य में बहुत चेंजेस आता है उसकी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट की वजह से, जहाँ से अगर हमको मंगवाना महंगा होता है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, तो क्या आप वहाँ से इंपोर्ट करेंगे, नहीं करेंगे। तो इंपोर्ट कॉस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पर ये थ्योरी ऐसा नहीं मानती। इनविजिबल गुड्स इग्नोर, यानी कि ये ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ विजिबल गुड्स को ही इंपॉर्टेंट देती है, इनविजिबल गुड्स सर्विसेज को ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं देती है, क्योंकि अपने बास्केट में मोस्टली आपने देखा गुड्स के बारे में ये कैलकुलेशन करता है ये थ्योरी। लेकिन ये कह सकते हैं कि ये सिर्फ बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात करता है। किसकी बात कर रही है ये थ्योरी, सिर्फ बैलेंस ऑफ ट्रेड, क्योंकि आपको पता होगा बैलेंस ऑफ ट्रेड में हम क्या करते हैं, वस्तुओं का आयात निर्यात, सिर्फ वस्तुओं का। तो दिस थ्योरी इज ऑनली डिपेंड ऑन बैलेंस ऑफ ट्रेड, यानी व्यापार संतुलन पर ये सिद्धांत निर्भर करता है, ये इनविजिबल गुड्स को है वो इग्नोर करता है। कैपिटल मूवमेंट इग्नोर, ये सिद्धांत आपका दो देशों में दो कंट्री में जो कैपिटल फ्लो होता है इनफ्लो आउटफ्लो उसको बिल्कुल चेक नहीं कर रहा है, इसको इग्नोर कर रहा है, जबकि एक्सचेंज रेट में कैपिटल मूवमेंट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। लैक ऑफ इक्विलिब्रियम रेट, यानी संतुलन दर के ज्ञान का अभाव। सिंपल है कि ये थ्योरी क्या कह रही है कि अगर हमें देखिए अभी हमने बात की थी जहाँ डिमांड सप्लाई मिल रहा था वो हमारा ई पॉइंट था इक्विलिब्रियम। ये सिद्धांत कह रहा है कि अगर आपको पुराना इक्विलिब्रियम पॉइंट पता होगा तभी आप नए और दूसरे इक्विलिब्रियम पॉइंट का पता लगा सकते हैं, यानी कि इस सिद्धांत के अनुसार अगर आपको नया इक्विलिब्रियम पॉइंट कैलकुलेट करना है तो आपको पुराना इक्विलिब्रियम पॉइंट या संतुलन दर का ज्ञान होना आवश्यक है। जबकि हम जानते हैं कि वास्तविक जीवन में यह जानना बहुत कठिन होता है, क्योंकि विभिन्न जो हमारे यहाँ पे जो निवासी हैं उनकी विनिमय दर में से कौन सी दर संतुलन दर कहलानी चाहिए ये हम नहीं बता सकते हैं। ये थ्योरी आपके बिजनेस ट्रेड जो सर्कल होते हैं उसको इग्नोर करती है, ये सिद्धांत व्यापार चक्र के प्रभाव की उपेक्षा करती है, क्योंकि ये सिद्धांत सिर्फ और सिर्फ प्राइस लेवल पे डिपेंड होती है। प्राइस लेवल में जो चेंजेस होता है, यानी कि जो प्राइस लेवल जो अगर चेंज होता है उस पे ही ये थ्योरी डिपेंड करती है, इसलिए ये बिजनेस जो आप कह सकते हैं सर्कल उसको भी इग्नोर करती है। तो ये इसकी आलोचना थी। तो ओवरऑल वी कैन डिस्कस, हमने पूरा का पूरा इस थ्योरी को डिस्कस कर लिया है, इसका कंसेप्ट, इसका एग्जांपल, इसका इम्पोर्टेंट और इसकी आलोचना। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।